मुमताज और शाहजहां की प्रेम कहानी का हैरान करने वाला सच। आज मैं आपको बताऊंगी शाहजहां की जिंदगी की ऐसी कहानी जिसे सुनकर और जानकर हैरान हो जाएंगे। जिस शाहजहां की कहानी आप और हम किताबों में पढ़ते हैं, जिस शाहजहां की प्रेम कहानी की मिसाल दी जाती है, तो आज इस बात से भी पर्दा उठ जाएगा। क्या हकीकत में भी शाहजहां किसी से प्रेम करता था, या आगरा में बना ताजमहल शाहजहां की प्रेम कहानी है या नहीं? हमारा इतिहास हमेशा से ही इस बात को नकारता आया है कि शाहजहां और मुमताज की कोई भी प्रेम कहानी नहीं थी। उनके जीवन की इतनी कड़वी सच्चाई है जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि इनके जीवन में प्यार की कोई जगह भी थी या नहीं। शाहजहां और मुमताज की कहानी को आप सदियों से मानते चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी सच्चाई से आप कभी वाकिफ ना हुए होंगे, जो आप जानेंगे इस वीडियो से। जानने के लिए सबसे पहले बताती हूँ शाहजहां और मुमताज के प्यार का संबंध क्या था और इसमें कितनी हकीकत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुमताज का नाम मुमताज नहीं था, बल्कि उनका असली नाम अंजुमना बानो बेगम था, जो शाहजहां की पहली पत्नी भी नहीं थी। जिनको मुमताज कहते थे, वो तो उनकी पहली बेगम भी नहीं थी। शाहजहां की 6 और पत्नियां थी। शाहजहां को हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि शाहजहां इक्ष्वास था, क्योंकि शाहजहां के पास इतनी बेगम होने के बाद भी उसके पास हरम की गई 8,000 रखेल भी थी। सोचिए, जिसके पास इतनी रखेल थी तो वो कैसे किसी से प्यार कर सकता है। यदि मुमताज की बात ही जाए तो शाहजहां की 4th नंबर पर मुमताज थी। मुमताज से पहले भी शाहजहां की 3 शादियां हो चुकी थी। यदि इस बात पर गौर करें तो मुमताज का विवाह भी शाहजहां से नहीं हुआ था, क्योंकि मुमताज भी किसी और की पत्नी थी। शाहजहां की नियत में तो किसी की लड़की का जिस्म ही दिखता था। जब मुमताज को शाहजहां ने देखा तो उसका हरम करा लिया और अपने साथ विवाह के लिए मजबूर भी किया। शाहजहां ने मुमताज के पहले पति की हत्या भी करा दी थी। शाहजहां के विवाह से पहले ही मुमताज का विवाह हो चुका था। साथ में मुमताज का और शेरखां का एक बच्चा भी था। देखा जाए तो मुमताज शाहजहां की पत्नियों में सबसे खूबसूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुमताज से ज्यादा खूबसूरत तो शाहजहां की पहली पत्नी थी। शाहजहां की वासना और कठोरता तो समझ में आ ही गई होगी। इतिहासकार लिखते हैं, जिस शाहजहां की 6 बेगम थी और साथ साथ 8,000 रखेल थी, तो वह आदमी किस प्रकार का शासक था, और इसको बोल सकते हैं कि शाहजहां प्रेम कर सकता है। शाहजहां के पास दिल ही नहीं था तो प्यार कैसे हो सकता है। मुमताज के मरने के कुछ दिन बाद ही शाहजहां ने मुमताज की बहन से ही विवाह कर लिया। अब और भी है शाहजहां के कारनामे, लेकिन शाहजहां के कारनामों की हद तो तब पार हो गई जब शाहजहां ने अपनी ही बेटी को रखेल बनाकर उसके साथ इन्होंने संबंध की हदें पार की। क्योंकि शाहजहां ऐसा आदमी था जिसे दिल में किसी भी औरत के लिए प्रेम के लिए कोई जगह नहीं थी, और ना ही किसी आदमी के लिए दया, क्योंकि ना तो शाहजहां को किसी की जिंदगी से कोई मतलब था और ना ही किसी की मौत से, क्योंकि अगर उसे मौत का दर्द होता तो मुमताज की मौत के बाद ही उसकी बहन से ही विवाह थोड़ी ना करता। शाहजहां ने 8,000 औरतों को हरम किया था। शाहजहां की प्रेम की मिसालें दुनिया भर में दी जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि शाहजहां ने अपनी बेटी के साथ भी गलत संबंध बनाए थे, अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। मुगल शासक शाहजहां ने अपने कुकर्मों के कारण दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन इसके बाद भी शाहजहां ने कई घटिया काम जहां आरा से कराता रहा। जिसे लोग कहते हैं प्रेम करने वाला शाहजहां, उसका प्रेम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। और मुमताज और शाहजहां की प्रेम कहानी झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये थी SM News रिपोर्ट।